ठीक 1:32 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है इस वक्त। इस वक्त चारों सेनार लगे हुए हैं, बाकी ट्रेन का रेट जो है वो मिस कर रही है। वो देखें हमारा इंजन कहाँ घूम रहा है। ये रेल का निकल रही है 6427 लोकोमोटिव के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर, और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के भी मेन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि बदर एक्सप्रेस का रेक प्लेस है जो कि अभी अभी लाहौर से आई है फैसलाबाद। जबकि मैं जो सफर करने वाला हूँ वो फैसलाबाद से लेकर लाहौर तक का करने वाला हूँ, यानी कि एक छोटा सा जर्नी होगा मेरा जो कि होगा कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 43 अप शाह हुसैन एक्सप्रेस में। तो चलें पहले फौरन चल के अपनी ट्रेन का एक ओपन टिकट ले लेते हैं, उसके बाद ट्रेन का इंतजार करते हैं और फिर ट्रेन में सफर करते हैं लाहौर तक। तो दोस्तों चलें पहले अपनी टिकट ट्रेन का ओपन टिकट ले लेते हैं। टिकट मैंने यहाँ से ले लिया है और अब मुझे इंतजार करना है अपनी ट्रेन का। मैं जा रहा हूँ वापस प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं कि ट्रेन आज कौन से प्लेटफॉर्म पर लगती है। ट्रेन का तो टाइम बताया जा रहा है वो 1:45 का बताया जा रहा है, तो लेट्स सी कि हमारी ट्रेन कितने बजे और कौन से प्लेटफॉर्म पर आती है। तो दोस्तों ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगेगी, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची जाने वाली, यानी कि 46 जाऊँ। उसी का ज़्यादा रश है, शाह हुसैन से ज़्यादा इस ट्रेन का रश है। दूसरी साइड जाने के लिए एडिसन ब्रिज का इस्तेमाल ही करना सही है, क्योंकि यहाँ पर शंटिंग वगैरह काफ़ी होती रहती है। थोड़ी सी फायरिंग कर लें लेकिन अपनी ज़िंदगी ज़रूर बचा लें। तो आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर कितना सन्नाटा है, और फैसलाबाद से ट्रेन जो है चक झुमरा, सांगला हिल, वजीराबाद, किला शेखुपुरा, शाहीनाबाद, शोरकोट, खानेवाल के लिए गाड़ी बदली जा सकती है। तो इसके अलावा कराची पेशावर के लिए भी ट्रेन चलती हैं यहाँ से। तो दोस्तों स्टेशन की कैंटीन से मुझे हल्का फुल्का खाने के लिए ये मिला है, ये है लू की नान खटाई। इसके अलावा गर्मी ज़्यादा है तो एक कोल्ड ड्रिंक मरिंडा मिली है और एक पानी की बोतल, और ये पूरा पैकेज मुझे पड़ा है 150 रुपये का। तो दोस्तों ये जो है ये 46 जोन पाकिस्तान एक्सप्रेस के फैसलाबाद कोटा के कोचेज आ रहे हैं। जो कि रावलपिंडी से आने वाली जो पाकिस्तान एक्सप्रेस होगी उसमें फैसलाबाद से अटैच किए जाएंगे। तकरीबन 8 कोचेज हैं ये जो कि फैसलाबाद से अटैच होंगे। GRU 25044 ट्रेन को आगे पीछे कर रहा है, ओनली फिट फॉर यार्ड, यानी कि ये सिर्फ शंटिंग के लिए ही है। तो दोस्तों वो आ रही मेरे सामने से बिल्कुल रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस SPU 20 ट्रेन के लीड पर है, और जी आज यू शंट करके जा रहा है कोचेस को। HBU 8054 पाकिस्तान एक्सप्रेस की सीट पर। और फैसलाबाद में ये जो HBU है ये ट्रेन से अलग हो जाएगा, और फिर एक बड़ा इंजन यानी कि GU 40 या फिर HGMU 30 ट्रेन को लेकर जाएगा कराची तक।
दोस्तों ये आ गई है मेरी ट्रेन AG 36 011 के साथ। अचानक से ट्रेन आई, काफी अच्छा ट्रेवल किया है ट्रेन ने और ट्रेन इस वक्त तक तकरीबन 1.25 घंटे लेट है। ट्रेन का ओरिजिनल टाइम जो यहाँ पहुँचने का वो तकरीबन 12:15 बजे का है। तो चलें, अब हमारी सीट तो है नहीं, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ कर आज अपना सफर करते हैं। जी दोस्तों, तो इस वक्त 1:30 हो चुके हैं और मैं इस वक्त जा रहा हूँ अपने फेवरेट लोकोमोटिव यानी कि AG 30 की तरफ, ताकि उसकी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आपको सुना दें, क्योंकि इंजन के पीछे जो है वो AC के कोचेज है और इकॉनमी जो है आज आगे नहीं लगी हुई। इसकी कभी इकॉनमी आगे होती है, कभी पीछे होती है। सिग्नल हमारी ट्रेन का हो चुका है, ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर, यानी कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। और अब ट्रेन यहाँ से चलने के बाद रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेगी और सीधे जाकर रुकेगी लाहौर रेलवे स्टेशन पर। तो 2 AC स्टैंडर्ड के कोचेज हैं और 1 AC स्लीपर का है। आज 1 AC बिजनेस जो है वो शॉर्ट है ट्रेन में। तो AG 30 ने अपना डिपार्टिंग व्हिसल दे दिया है, इससे पहले कि हम उसको देखने के चक्कर में ट्रेन मिस करा दें, चल हमने कोच में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ जगह मिलती है और फिर वहाँ जाकर मजीद बात करते हैं। तो दोस्तों गर्मी कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं पसीने आ चुके हैं, मुंह पूरा ऑयली हो चुका है मेरे इस वक्त तक। और इस गर्मी के आलम में हम ट्रैवल करेंगे शाह हुसैन एक्सप्रेस का। तो आज का जर्नी हम करते हैं CNR कोच में, 160 KMPH वाला CNR कोच है ये। सामने पाकिस्तान एक्सप्रेस खड़ी हुई है, कोच तकरीबन खाली ही है। तो ये केबिन पूरा खाली है सामने वाला, इसके पीछे वाला। शाह हुसैन एक्सप्रेस में वैसे फैसलाबाद से रश जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, लाहौर की सवारी बहुत कम होती है। ट्रेन ने अपना लास्ट डिपार्टिंग व्हिसल भी दे दिया है और ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो चुकी है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। ठीक 1:32 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है इस वक्त। तो देखते हैं कि ट्रेन हमारी लाहौर रेलवे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचती है। तो जितनी देर में ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है, इतने हम लोग थोड़ी बहुत शाह हुसैन एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। तो शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है ये कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि कराची और लाहौर से शाम तकरीबन 7:30 बजे अपने सफ़र का आगाज़ करती है और फिर पूरी रात और अगले आधा दिन सफ़र करके अपनी मंजिल पर पहुँचती है। कराची से निकलने के बाद हैदराबाद, रोहड़ी, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद के रास्ते से होती हुई लाहौर तक जाती है। तो ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मेन लाइन पर चढ़ रही है। कोहिस्तान का बस टर्मिनल बिल्कुल बराबर में ही है स्टेशन के। तो फैसलाबाद शहर से निकल रही है सर हमारी 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस AG 36 011 के साथ।
तो दोस्तों वैसे तो आपने देखा होगा कि लाहौर फैसलाबाद की ट्रेन जो है, जैसे बदर एक्सप्रेस है, गौरी एक्सप्रेस है, इनमें काफ़ी रश होता है, जबकि शाहजहां एक्सप्रेस जो है इसमें ज़्यादा रश नहीं होता। फैसलाबाद लाहौर के पैसेंजर का, और उसकी वजह ये है कि शाहजहां एक्सप्रेस का जो किराया है वो लाहौर से, फैसलाबाद से लाहौर, वो है 400 रुपये, देख रहे हैं आप, जबकि जो बदर एक्सप्रेस है, बदर एक्सप्रेस का किराया है 220 रुपये इकॉनमी क्लास का। तो ये कुछ वजूहात हैं जिस वजह से तकरीबन जो है वो 180 रुपये का डिफरेंस है दोनों ट्रेन के फेयर में, जबकि बदर एक्सप्रेस के सिर्फ 3 स्टॉपेजेस हैं, यानी कि फैसलाबाद के बाद है सांगला हिल, उसके बाद सफदराबाद, और उसके बाद ट्रेन रुकी है शेखोपुरा और फिर लाहौर, जबकि शाह हुसैन का जो है इसका एक भी स्टॉप नहीं है। फैसलाबाद के बाद ये ट्रेन डायरेक्ट लाहौर रुकती है। तो बस यही कुछ वजूहात हैं जिस वजह से शाह हुसैन जो है वो अक्सर खाली जाती है। अगर इस ट्रेन का सिर्फ फैसलाबाद से लाहौर का किराया ही कम कर दिया जाए तो बहुत सारे मुसाफिर इस ट्रेन में सफ़र करते हुए दिखाई देंगे, ट्रेन इस तरह खाली नहीं जाएगी जैसे कि अभी है। इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है फैसलाबाद ड्रायपोर्ट रेलवे स्टेशन को, तो देखते हैं कि कोई फेयर ट्रेन या फिर कोई लोकोमोटिव हमें यहाँ पे खड़ा हुआ मिलता है या नहीं। वैसे तो सन्नाटा लग रहा है, मेन लाइन का सिग्नल डाउन है सर। दो तीन कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि कोयले का काम भी यहाँ पे चल रहा है, और साथ ही जो कंटेनर्स वगैरह रखे हुए हैं यानी कि ड्रायपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है, तो 2-in-1 काम हो रहा है यहाँ पर, जैसा कि पहले वहाँ होता था जुम्माकोट में। ये ट्रक दिखने में तो हल्का सा लग रहा है लेकिन ये पूरे कंटेनर को उठा लेता है अकेला ही। तो ये फुल सन्नाटे वाली जगह है, लेकिन पंखों का शोर चेक करें आप, ट्रेन से ज़्यादा तो सीनियर कोच में पंखे शोर कर रहे हैं। तो दोस्तों तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद फैसलाबाद रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है। यहाँ से इतनी देर ट्रेन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकी जितनी देर ट्रेन ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप किया है। तो इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है चक जुमना रेलवे स्टेशन को, और यहाँ से एक लाइन जो है वो शाहीनाबाद से होती हुई जाती है सीधा सरगोधा। सामने आप लाइन देख रहे हैं, ये सीधा शाहीनाबाद से होती हुई सरगोधा जा रही है, और इसी लाइन के यहाँ से निकलने की वजह से चक जमुना को जंक्शन कहा जाता है। इसके अलावा जो 17/18 नॉन मिलर एक्सप्रेस है वो इसी रास्ते से लालमुसा तक जाती है और आती है।
CH-46-00 फुल फ्लो में है सर, ट्रेन को बहुत अच्छा हॉल कर रहा है। मैं सोचा कि क्यों ना इस खाली केबिन में लेट कर थोड़ी सी अपनी कमर सीधी कर ली जाए। तो दोस्तों कमर कुछ ऐसी सीधी हुई कि जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त ट्रेन जो थी हमारी वो फारुखाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। रेलवे स्टेशन पर से रही है सब ट्रेन हमारी। तकरीबन 3 बजे हमारी ट्रेन एंटर हो रही है शेखपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त जो ट्रेन है तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लेट हो चुकी है। अब तक कुछ ही देर में शेखपुरा का रेलवे स्टेशन आने वाला है। शहर में ट्रेन ने एंट्री मार ली है। दोस्तों ये जो रेलवे आप देख रहे हैं जो कि असल में राइट साइड से आ रही है, क्या आ रही है शोरपुर से होती हुई तीन महल नजराना साफ चढ़ा वाला से, जिस पर इस वक्त सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है जो कि है रावी पैसेंजर। आप 21 मिनट में शिफ्ट कर रही है शेखपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ट्रेन ने शिफ्ट किया है चिचोकी मिलिया रेलवे स्टेशन को, और अब ट्रेन आगे बढ़ रही है लॉन्ग की तरफ काफी अच्छी स्पीड में। तो ये एक अप और एक डाउन का सिग्नल आप देख सकते हैं दिया गया है ट्रेन को, इसका मतलब ये है
कि अब हमारी ट्रेन को साइड पर लगाया जाएगा और 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस यानी कि लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली जो कराकरम एक्सप्रेस है उसे यहाँ से थ्रू करवाया जाएगा, यानी कि दोनों का बेसिकली अरेंज जो है वो स्टेशन पर करवाया जा रहा है क्रॉस अरेंज। तो ये मिशन कला रेलवे स्टेशन की मेन लाइन का सिग्नल डाउन है, ठीक है, हमारी ट्रेन को मेन लाइन पर रोका जाएगा और 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस को लूप से गुजारा जाएगा। ये रहा मिशन गल्ला रेलवे स्टेशन, जबकि यहाँ की जो लूप लाइन है यानी कि अप की लूप लाइन है वहाँ पर एक ट्रैक मशीन खड़ी हुई है जिस वजह से हमारी ट्रेन को लूप पर नहीं लगाया गया, और अगर ये नहीं होती तो मे भी हमारी ट्रेन लूप पर लगती और कराकरम यहाँ से थ्रू पास करती। वो सामने 42 की लाइट्स दिखना शुरू हो गई हैं। आ रही 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस कराची जाने के लिए, GU40 ट्रेन के लिए पर GU49001 मिशन कला रेलवे स्टेशन में लूप लाइन पर हमें क्रॉस कर रही है। चारों सीएनआर लगे हुए हैं, बाकी ट्रेन का रेट जो है वो मिस कर दिया। तो ये दोनों ट्रेनों का क्रॉस हो चुका है और अब हमारी 43 अब शाओसन एक्सप्रेस ने AG36001 के साथ चलना शुरू कर दिया है मिशन कला रेलवे स्टेशन से। ये बिल्डिंग
से शार्प कर्व लेने के बाद हमारी ट्रेन एंटर हो जाएगी शाहतराबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। साइड पर तो हमारी रेल लाइन चल रही है, ये है मेन लाइन में जो कि पेशावर से आ रही है। तो उसके बराबर में जो एक रेल लाइन चल रही है वो जा रही है सीधा सियालकोट से, यानी कि वो शाहजहाबाद सियालकोट वजीराबाद जाती है वो रेल लाइन। और इन्हीं तीनों रेल लाइन को एक जगह मिलने की वजह से शाहजहाबाद को एक जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो ट्रेन एंटर हो रही है शाहजहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चलते हुए उतरेंगे तो फिर खतरनाक हो सकता है। वो देखिए हमारा इंजन कहाँ घूम रहा है। एक सामने से भी ट्रेन आ रही है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, देखते हैं कि वो कौन सी ट्रेन होगी। ये मे भी होगी रावी एक्सप्रेस लाहौर शोभपुर के दरमियान चलने वाली। काफी मुसाफिर इंतजार में है रावी पैसेंजर के। ये आ रही रावी पैसेंजर SPU ट्रेन के लेट पर लगा हुआ है। लूप का सिग्नल डाउन है। एट जीरो सेवन फाइव आ गया है रावी ब्रिज, इसके बाद आएगा बादामी बाग रेलवे स्टेशन और फिर लाहौर रेलवे स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया बादामी बाग रेलवे स्टेशन को। काफी सारे फ्रेट कोचेस खड़े हुए हैं जिनमें से माल अनलोड किया जा रहा है। सरप्राइज
शंटिंग करने में मसरूफ है वो यहाँ पर बादामी बाग में। बीस किलोमीटर का क्वेश्चन और ट्रेन आगे डाइवर्ट हो रही है डाइवर्टिंग ट्रैक्स पर, क्योंकि आगे ब्रिज बन रहा है मेन लाइन पर, इस वजह से ये सारे ट्रैक्स बनाए गए हैं ट्रेन की ट्रैफिक के लिए। ये रेल कार निकल रही है 6427 लोकोमोटिव के साथ, ZCU 20। इस वजह से हमारी ट्रेन को ऑटो पर रोका गया था। लाहौर रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली, बल्कि नहीं, ये सालकोट रूट की कोई ट्रेन है। तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है और बिल्कुल ट्रेन के पीछे मुझे एक GU20 भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बराबर वाली लाइन पर है। GU24559 लाइट खड़ा हुआ है। लगेगा रेल कार के लीड पर, वो सामने GRU खड़ा हुआ है, उसके बराबर में ZCU खड़ा हुआ है एक ट्रेन के लीड पर, और ZCU के बराबर में भी एक लोकोमोटिव है, शायद ये मुझे GMU-15 लग रहा है। अगर ये GRU नहीं HGMU है, कराची शहर का पैसेंजर ट्रेन की जान। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ बढ़ रही है। 6407 रेल कार के लीड पर, ZCU-20। प्लेटफॉर्म 5 पर भी नहीं बल्कि हमारी ट्रेन केस हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर, बिल्कुल ही कोने पर लगाया चाओ सैन को, तो ये 4 या 2 पर जाती है। 6305 ZCU-30 बड़ा वाला ZCU, और ये एक और ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। ये है 5UP ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। दोस्तों ये था मेरा सफर फैसलाबाद से लेकर लाहौर तक का एक छोटा सा जर्नी था। तो आज शाह हुसैन एक्सप्रेस ने जो है वो तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट लिए हैं फैसलाबाद से लाहौर तक आने में, जबकि ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम जो है वो तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट है फैसलाबाद से लेकर लाहौर तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों 1:25 पर चलने के बाद फाइनली 4:10 पर हमारी 43UP शाह हुसैन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है लाहौर रेलवे स्टेशन पर। ग्रीन लाइन के कोचेस स्टैंड किए जा रहे हैं। के पीछे भी एक ट्रेन खड़ी हुई है और ये है जाफर एक्सप्रेस, 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस क्वेटा जाने के लिए। काफी रश है इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पे, काफी मशहूर है स्टेशन।